अंगूठे में चोट के कारण एनसीए में रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम से गुजर रहे भारतीय टेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा के साथ एक ऐसी गलती हुई है कि यह क्रिकेटर अपने किस्मत पर रो रहा है। जी हाँ, एक गलती हुई है एक फिजियो की वजह से, जिसके कारण आज ये खिलाड़ी करियर प्रभावित करने वाली कंधे की समस्या से जूझ रहा है। बता दें कि साहा की यह चोट बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम में गड़बड़ी के कारण उभरी, जहां वह अंगूठे की चोट से उभरने के लिए आए थे। लेकिन अब ये भी जानकारी मिल रही है कि अपनी सर्जरी कराने के लिए अगले महीने वह ब्रिटेन जा सकते हैं। तो वहीं बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि साहा का रिहैबिलिटेशन गलत तरीके से किया गया है, पूरा का पूरा ठीक रहा एनसीए फिजियो पर लगाया है। बता दें कि साहा को इस साल आईपीएल के दौरान अंगूठे में चोट लगी थी, जिसके बाद वह खेल से दूर हैं। साहा ने अपनी अच्छी ट्रीटमेंट के लिए ही एनसीए में जाकर इस सर्जरी कराई थी, लेकिन उनकी फिजियो की गलती और उनकी किस्मत ने पूरी तरह से धोखा दिया और आज ये खिलाड़ी इस वजह के कारण मैच से बाहर है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें